पिछले एपिसोड में हम यहाँ पहुँचे थे, तो इस एपिसोड में हम तुम तक पहुँचने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहना और शेयर ज़रूर करना। आई नीड योर सपोर्ट। तो चलते हैं, लेट्स गो। Hi guys, it's me, Tushik bro. Welcome to my channel. Don't forget to like, subscribe and share. Let's go. ये जो आप देख रहे हैं, ये लच्छू है। इसको लद्दाखी में लच्छू बोलते हैं। ये मतलब लद्दाख के हर एक जगह में पाया जाता है, मतलब लेकिन अक्सर ये पहाड़ों में होता है और इस टाइम बहुत ही होते हैं। और इसका एक दूसरा टाइप का ब्रीड होता है, उसका नाम है पखल। पखल जो होता है वो एक पखल जो है इससे अच्छा होता है और मोटा भी होता है। ये बिल्कुल खट्टा भी होता है। और इसके आप देखिए, आप मैं इसको कैसे खाते हैं थोड़ा दिखाऊंगा। इसके वजह थोड़ा छिलके को थोड़ा आप छीलना इस तरह से। मैं तो छीनने वाला नहीं हूँ शायद। अब अगर लद्दाख में आएगा तो इसको ज़रूर ट्राई करना। और लद्दाख में अगर आप लोगों को आना है तो इस टाइम आना। ये टाइम बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये स्प्रिंग टाइम है, बिल्कुल इसमें सब कुछ आपको मिलेगा लद्दाख में, हर एक चीज़। इस साइड से स्नो लेपर्ड जो होता है भर के देखते हैं। आप आइए चलते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर बनाते हैं वीडियो। भाई लोग मार के कसम, यहाँ इतना ठंड ना पानी, पता है पानी के छींटे अपने हाथों पे ऐसे पड़ रहा है कि मैं देखिए, आप देख सकते हो बहाव। ओ भाई क्या डूब रहे हो यार, जरा हमें भी बताओ यार। तो अभी हम सुंदो पहुँचने वाले हैं। लो जी, हम सुंदो पहुँच गए। तो सुमदो लगभग वाटरफॉल से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक आने में बहुत मुश्किल हुई हमें। रास्ते बिल्कुल पत्थर से भरे हुए हैं और चलने में बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। ये एग्जैक्टली वही रास्ता है जहाँ से हम पहलगाम पहुँच सकते हैं कश्मीर। आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर हम राइट साइड जाएंगे तो यहाँ से कश्मीर पहुँचेंगे हम बिल्कुल। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, थोड़ा आप सीनरी के बिल्कुल मज़ा लो यहाँ पे। इसके बाद फिर से बातें करेंगे हम। मुझे लेफ्ट साइड जाने का बहुत शौक था, वहाँ से ग्लेशियर बहुत नज़दीक था बिल्कुल सामने, लेकिन ये छोटा सा स्ट्रीम को मैं पार के उस साइड नहीं जा सकता था क्योंकि एक तो वो बहुत ठंडा था और ठीक ठाक बड़ा था। चलो पहले थोड़ा सा स्की हो जाए, इसके बाद आपको मैं ओडी रिवर दिखाऊंगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होगा, आपको बिल्कुल सामने से दिखाऊंगा। ये पानी बिल्कुल ठंडा था, लाइक माइनस हो गया, लगभग माइनस में तो हो गया ये पानी। और ग्लेशियर का पानी है ऑफकोर्स। तो ये देखिए, थोड़ा हाउस राइज भी देखिए, इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा पानी स्ट्रीम दिखाऊँगा। वो हम उसको बोल रहे थे कि ओ प्रभा हमें भी बिठाओ यार। तो हमारा सफ़र इस वीडियो में यहीं तक था। तो गुड बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बोलना पड़ता है यार। लेट्स गो, बाय।
I've been torn apart. I'm a fucking loner and I stayed away for life. I'll probably never change.